हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ अप्पे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे हमने चावल और दाल से बनाया है। अप्पे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी या अचार के साथ लें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 4 से 5 घंटे चावल भिगोया था, जिसका पानी निथार कर हमने एक मिक्सी में ले लिया है। लाल मिर्च मिलाएंगे, वो आप अपने स्वाद के अनुसार, आप जितना तीखा पसंद करते हैं। लहसुन की 2-3 कलियां मिलाएंगे। इसमें 1/2 कप पानी भी मिलाएंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। चना दाल को भी हमने भिगो लिया था 2 से 3 घंटे, इसका भी पानी निथार कर इसे भी हम पीस लेंगे। पीसते समय इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएंगे और इसका भी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चना दाल का भी पेस्ट तैयार हो गया। एक बड़े बर्तन में चावल के पेस्ट और चना दाल के पेस्ट को लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे। चुटकी भर हींग मिलाएंगे। फ्रेश हरी मटर मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच। सभी को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे 1/2 चम्मच। इसे भी मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार मिलाएंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। वन फोर्थ चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएंगे, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे मिलाकर बैटर को अच्छी तरह चला लेंगे। ढककर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट में रखेंगे। बैटर तैयार हो गया। अप्पे पैन लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे और उसके सभी कप्स में बैटर का 1-1 चम्मच भर लेंगे। सभी कप्स को हमने भर लिया है। इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 5 मिनट पकाएंगे। अप्पे एक साइड से अच्छी तरह पक गया है, इसे पलट लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी पकाएंगे। ढक देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए अप्पे तैयार हो गया, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया है। अप्पे को अब हम पैन से बाहर निकालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार करेंगे। सभी अप्पे कप्स को भर देंगे, ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे, पलट कर दूसरी ओर से भी पकाएंगे। सभी अप्पे पर 1-1 2 बूंद तेल
ऊपर से ड्रिजल करेंगे। ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए अप्पे तैयार है, अप्पे का ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया। अप्पो को अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत बना है, अब इसे तोड़ कर दिखाते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है, इसे आप अपनी मनपसंद चटनी, सॉस या अचार के साथ लें, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम पास्ता की रेसिपी लेकर आए हैं। ये व्हीट पास्ता है, इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आधा कप सूजी मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच ऑयल मिलाएंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो के तैयार हो जाने पर इसे 15 मिनट रेस्ट में रखेंगे। पंद्रह मिनट के बाद हम डो से समान आकार के छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे। बॉल्स को बीच में अंगूठे से दबाते हुए पास्ता का शेप देंगे। इसी तरह हम सभी पास्ता बना लेंगे। पानी गरम करेंगे। पानी में उबाल आने पर 1 चम्मच तेल मिलाएंगे। हाफ चम्मच नमक मिलाएंगे, हमने पास्ता में भी नमक मिलाया हुआ है। पानी में बॉयल आने पर हम इसमें पास्ता मिला देंगे। इन्हें ढककर 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे। छः मिनट के बाद ये अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब इन्हें उबलते हुए पानी से बाहर निकालेंगे। ठंडा करेंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होने पर कटी हुई लहसुन मिलाएंगे। दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे। इन्हें भून लेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद कटी हुई प्याज मिलाएंगे।
इन्हें भी अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज के ट्रांसलूसेंट हो जाने के बाद हम इसमें हरी मटर मिलाएंगे। इन्हें भी भून लेंगे। अब कॉर्न मिलाएंगे, इन्हें भी भून लेंगे। अब कुछ मसाले मिलाएंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टोमेटो सॉस मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब उबले हुए पास्ता मिलाएंगे। इन्हें भी मसाले के साथ मिक्स करेंगे। एक चम्मच पानी मिलाएंगे और इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। ओरिगैनो मिलाएंगे, इन्हें भी मिक्स करेंगे। अब ये पास्ता तैयार है, इसे हरी धनिया से सजाएंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करें और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।